तो हेलो दोस्तों, इंडिया के ग्रैंड डांसर डिस्को डांसर मिथुन दा के बेटे नमासी चक्रवर्ती की डेब्यूट मूवी बैड बॉय को 28 अप्रैल को रिलीज कर दिया गया था। तो आज जानेंगे कि मूवी कैसी है, लोगों को फिल्म पसंद आ रही है या नहीं, पहला दिन ओपनिंग कैसा रहा फिल्म का, फिल्म की स्टोरी और कॉन्टेंट कैसा है, स्टार कास्ट कैसी है, फिल्म हिट होगी या फ्लॉप, मूवी आपको देखना चाहिए या नहीं, सब कुछ जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी मिथुन चक्रवर्ती के डाई हार्ट फैन हैं तब और बैड बॉय मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। राजकुमार संतोषी फिर प्रेजेंट हुए हैं अपनी लव रोमांटिक कॉमेडी धमाका फिल्म को लेकर, जिसका कंटेंट सुपर फैमिली ड्रामा भी है, जिसमें आपको भर भर कर कॉमेडी देखने को मिलेगी, भर भर कर रोमांस देखने को मिलेगा और भर भर कर फैमिली ड्रामा भी देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं तो अंदाज अपना अपना और अजब प्रेम की गजब कहानी जैसी अमेजिंग क्लासिक मूवी देकर राजकुमार संतोषी ने पहले ही जनता का दिल खूब लूटा है। तो अगर आप लोगों ने ये धमाकेदार फिल्में देखी हैं तो आप इमेजिन कर सकते हो कि बैड बॉय कैसी होने वाली होगी। जी हाँ दोस्तों, मूवी अमेजिंग है, मानना पड़ेगा राजकुमार संतोषी के कंटेंट को हर बार कुछ मसालेदार चीजें प्रेजेंट करना कोई इनसे सीखे, वो भी एक नए अंदाज में। जी हां दोस्तों, बैड बॉय तेलुगु ब्लॉकबस्टर फिल्म सिनेमा चुपित्सा मावा की रीमेक है जो हिंदी में अवेलेबल नहीं थी। बता दूं तो नमासी चक्रवर्ती जो रघु के रोल में प्ले कर रहे हैं एक बहुत बिगड़ैल बैड बॉय होता है, बिल्कुल छपरी टाइप, जिसे प्यार आमरीन कुरैसी से हो गया, जो मोस्ट ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट एंड टॉप रैंकर स्टेट टॉप रैंकर लड़की है। और बाद में आमरीन को भी लड़की की ये बचकानी हरकतें, उसका छपरीपना पसंद आने लगता है और दोनों के बीच में प्यार की चिंगारी जल जाती है। जी हाँ दोस्तों, मूवी में बहुत फनी मोमेंट मिलने वाले हैं आप लोगों को। नामासी पूरी फिल्म में आमरीन के पिताजी को मनाने में लग जाती हैं, जिसमें बहुत से ऐसे जबरदस्त कंट्रोवर्शियल सीन्स मिलते हैं रहेंगे, लाइक फनी, इमोशनल एंड फाइट एक्शन, क्योंकि विलेन और कोई नहीं, हीरोइन का फादर है जो एक छपरी बेवकूफ आवारा लड़के से उसकी ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट लड़की की शादी नहीं करना चाहता है। और पूरी फिल्म बस इसी छोटे से कॉन्सेप्ट पर घूमती रहती है। दोस्तों, काफी लंबे समय के बाद ऐसा फैमिली ड्रामा लव रोमांटिक कॉमेडी का कॉन्टेंट आया है जिसे लोग विद फैमिली जाके देख सकते और लोग जा भी रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दूं तो फिल्म को जबरदस्त स्टार कास्ट से सजाया गया है, जिसमें आपको नामासी और आमरीन तो लीड रोल में दिखेंगे ही, साथ ही जॉनी लीवर, राजेश शर्मा और राजपाल यादव और मिथुन दा का कैमियो देखने को मिलेगा। दोस्तों, नामासी की पहली डेब्यूट मूवी के हिसाब से बताऊं तो काम बहुत शानदार कर रखा है, साथ ही आमरीन कुरैशी ने भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रखी है और मोस्ट ब्यूटीफुल आमरीन ने लोगों का दिल खूब लूटा है। दूसरी तरफ सपोर्टिंग रोल में जॉनी लीवर द लीजेंड हमेशा की तरह जनता का दिल लूट लिया है। दोस्तों, टिप से लेकर टॉप तक मूवी बहुत अमेजिंग है, स्टार कास्ट भी काफी दमदार है, मूवी का कंटेंट कुछ नया है और मस्त है। मूवी को राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में 6 करोड़ के टोटल बजट में बनाया गया है। दोस्तों, मैं तो कहूंगा आप लोगों को भी ये मूवी देखने जरूर जाना चाहिए, मूवी अमेजिंग है। तो मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी, क्या नामासी चक्रवर्ती अपने ही पिताजी मिथुन दा की तरह स्टारडम कमा पाएंगे? दूसरा, मूवी कैसी लगी अगर आप लोगों ने देख ली है तो? फटाफट सब कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।